हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी है वो भी प्रेस कर देना ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो गाइस आज बातें करेंगे हम। दोस्तों, कुछ हैं जिनको मिल चुका है। दोस्तों, आप नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन आपको बता दूँ कि यार है दो, एक बंदी है एक बंदा है। दोस्तों, फुल पॉजिटिव रिव्यू, मतलब कि यार डंकी में उस बंदे को क्या अच्छा लग गया, डंकी में उस बंदी को क्या अच्छा लग गया कि फुल लेना पॉजिटिव रिव्यू बंदे और बंदी ने दिया। भाई देखो यार, ये दोनों को ना मैं पर्सनली जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हमेशा फॉलो करता हूँ मैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन ये लोगों का जितने भी पुराने रिव्यूज़ अब निकाल के देख लो, मतलब कि ये लोगों का ना रिव्यू जब देखोगे ना बोलोगे यार सर के ऊपर से जा रहा भाई। मतलब कि जो मूवी अच्छी होती थी ना भाई, उसकी नेगेटिविटी, और जो मूवी भाई ख़राब है उसकी पॉजिटिव। तो यार आप सोच सकते हो दोस्तों मेरा इशारा कहाँ जा रहा है। देखो यार, अभी मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, बॉलीवुड वल्ला जो एक्सपोज हो गया दोस्तों, जिसका नाम है, नाम नहीं लूँगा लेकिन वो एक्सपोज ज़रूर हुआ दोस्तों, उसने टंकी का ट्रेलर रिव्यू ना फुल नेगेटिव रिव्यू डाला था भाई। उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर। उसके बाद उसने मालूम क्या किया, वो वीडियो बना डिलीट कर दिया। सोशल मीडिया पर मैंने ये भी पढ़ा कि जो पीआर टीम है वो लोग कांटेक्ट कर रही है या कर रहे हैं यूट्यूबर्स से, जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े यार हम जैसे छोटे यूट्यूबर नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर से कि भाई आप लोग ना नेगेटिव रिव्यू मत करो, पॉजिटिव रिव्यू डालो। अब समझ सकते हो आप, अगर जिसका आप मिलियंस में लाखों में सब्सक्राइब है, अगर उससे पॉजिटिव रिव्यू करवा रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या रीज़न हो सकता है। तो गाइज यही था रीज़न। तो गाइज आपको बता दूं कि ये जो बंदा बंदी है इन्होंने फुल पॉजिटिव रिव्यू दिया है, और मैं इस बात से सहमत नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लोग भी वही है, बॉलीवुड वल्ला वाला ही सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे बिक गए ये लोग भी, खुल के बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ पैसे का खेल है दोस्तों। यहाँ पे पैसे फेंको तमाशा देखो जो है ना, डायलॉग वही शूट करता है ये लोगों के पास। खैर जो भी हो, सबकी अपनी अपनी राय होती है, पब्लिक की राय होती है। अगर किसी क्रिटिक, किसी यूट्यूबर से, यूट्यूबर को नेगेटिव पॉजिटिव करने से अगर मूवी फ्लॉप हिट होने लगी ना भाई, तो इंडस्ट्री डूब जाएगी। तो पब्लिक माई बाप होती है, पब्लिक को मूवी अच्छी लगती है तो मूवी चली जाती है, और पब्लिक को बुरी लगती है तो मूवी फ्लॉप हो जाती है दोस्तों। तो गाइस अभी भी 2 से 3 दिन वक्त है, देखते हैं डंकी क्या धमाका करती है यार बॉक्स ऑफिस पे। पब्लिक ऐसे तो नेगेटिव ही बोल रही है, डिसअपॉइंट होकर निकल रही है थिएटर से, बाकी देखते हैं क्या होता है दोस्तों। बस इतना ही, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, उस बंदा बंदी तक पहुँचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।